हेयरफॉल अब ये एक ऐसी दिक्कत है जिससे शायद हर दूसरा इंसान परेशान है, इसलिए हमें सेहत पर रोज इससे जुड़े मेल्स आते ही रहते हैं। लोग अपने हेयरफॉल से काफी दुखी हैं। जितनी बार सिर पर हाथ फेरते हैं उतनी बार बालों का गुच्छा हाथों में आ जाता है। अब इसके लिए क्या किया जाए, ये हमें बताया डॉक्टर गोविंद भारतीय ने। डॉक्टर गोविंद बताते हैं कि हर महिला और पुरुष के 50 से 100 बाल झड़ना रोज आम बात होती है, लेकिन जब उसे ज्यादा बाल झड़ने लगे तो ये दिक्कत की बात है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। सबसे पहले डॉक्टर पता करेंगे ये किसी अंदरूनी बीमारी की वजह से तो नहीं है। अगर हाँ तो पहले इस अंदरूनी बीमारी का इलाज ढूंढा जाएगा, उसे ठीक किया जाएगा, जिससे बालों का झड़ना अपने आप कम हो जाएगा। इसके अलावा कई मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी उपलब्ध हैं। पीआरपी थेरेपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, इसमें आपके खून से जो जरूरी तत्व होते हैं बालों के लिए उन्हें अलग कर लिया जाता है और बालों के फॉलिकल यानी कि केश कूप में डाला जाता है, जिससे फॉलिकल का ग्रोथ तेजी से होता है। दूसरा है मीजोथेरेपी, इसमें मीजो स्टेम सेल्स को फॉलिकल में फ्लो करवाया जाता है, ये बालों को बढ़ने में मदद करता है। और भी कई ट्रीटमेंट हैं जैसे कि लेज़र है, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रो नीडलिंग, ये सारे ट्रीटमेंट्स काफ़ी असरदार हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। इनके बारे में आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो हुई बात मेडिकल ट्रीटमेंट की, और इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब घरेलू नुस्खों से कोई इलाज नहीं मिलता है, पर इनको करवाने से पहले कुछ घरेलू टिप्स पर आप ध्यान दे सकते हैं। केमिकल वाले शैम्पू इस्तेमाल ना करें, कलर भी बालों को नुकसान पहुंचाता है। कलर से अपने बालों को बचाने के लिए आप कलर ट्रीटमेंट के लिए जो शैम्पू इस्तेमाल किया जाता है और जो कंडीशनर इस्तेमाल किया जाता है वो यूज़ करिए, ये आपके बालों को कलर प्रोटेक्शन देंगे। हेयर स्टाइल करवाने के बाद थोड़ा सा तेल लगाकर बालों को धो दें। रात में सोते समय कभी भी बाल ना बांधें। अगर आपके तकिए का कवर कॉटन का ना होकर सिल्क का हो तो बाल कम टूटेंगे। ज़रूरी है कि बालों को अंदर से नरिश किया जाए। आप बालों में जो भी लगाते हैं उसका अब्सॉर्प्शन बालों तक नहीं होता है। अगर बालों को पोषण देना है तो अंदर से बॉडी को नरिश करना होगा। हरी सब्जियां और फल खाइए। इन फल या फिर सब्जियों को पकाइए नहीं, उन्हें दही या फिर शहद के साथ आप खा सकते हैं। कोशिश करिए कि फ्रूट्स और सब्जियां कच्चे रूप में खाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। बालों को बाहर से और शरीर को अंदर से पोषण दीजिए। फिर भी हेयर लॉस नहीं रुकता है तो डॉक्टर से मिलिए।